मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की झकनावदा तहसील में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मानवाधिकार और महिला बाल विकास आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष दयाराम मिश्रा और राष्ट्रीय मुख्य महासचिव डॉक्टर रविंद्र मिश्रा के निर्देशानुसार बोरघाट स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर स्कूली छात्र छात्राओं के साथ विधिवत रूप से मानवाधिकार दिवस मनाया गया। आयोजन का श्री गणेश सर्वप्रथम माँ शारदा की तस्वीर पर धूप दीप प्रज्वलित कर किया गया। आयोजन में प्रतिनिधि प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमोट ने अपने उद्बोधन में स्कूली छात्र छात्राओं को कहा कि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी शराब मदिरा का व्यसन ना करें। व्यसन करने से अपना शरीर पैसा और परिवार नष्ट होता ही है और साथ ही अपनी इज्जत भी गिरती है। साथ ही संजय व्यास ने अपने उद्बोधन में कहा कि आप सभी बच्चे रोज समय पर स्कूल आएं और अपने गुरु द्वारा दिए गए उच्च संस्कारों को अपने जीवन में उतारें, जिससे आगे चलकर आप अपने जीवन में खूब आगे बढ़ोगे। इस अवसर पर स्कूल के अध्यापक अध्यापिका उपस्थित थे। साथ ही स्कूल स्टाफ को संगठन की ओर से उपहार भेंट किया गया। झकनावदा से मनीष कुमोट की रिपोर्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग प्रदेश प्रतिनिधि, आज किस उपलक्ष्य में आपने बच्चों को ये बिस्किट और पेन और कॉपी वितरित किए? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और इस उपलक्ष्य में हम शासकीय प्राथमिक विद्यालय बोरघाटा आए हुए हैं और हमारे द्वारा बच्चों को ठंड से बचने के लिए टोपे, पढ़ाई के लिए कॉपी पेन और खाद्य सामग्री में बिस्किट वितरण किए हैं। और हम प्रतिवर्ष इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस को किसी न किसी स्कूल में बच्चों के बीच जाकर मनाते हैं। उसी क्रम में हमने आज बोरघाटा की स्कूल चयन की है और बच्चों को हमारी टीम द्वारा संदेश भी दिए गए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।